अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहू। सूरा अल बकरा आयत नंबर 84, 85 और 86। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। और याद करो, जब हमने तुमसे वचन लिया था कि अपने लोगों का खून ना बहाओगे और ना अपनों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने स्थिरता प्राप्त की और तुम इसके गवाह हो। फिर तुम ही लोग हो कि अपने लोगों की हत्या करते हो और अपने ही एक गिरोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो, उनके विरुद्ध गुनाह और ज्यादती के साथ एक दूसरे के पृष्ठपोषक बन जाते हो। फिर यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास आए तो उनसे फिदिया अर्थ दंड वसूल करो, यह अवैध है। तुम्हारे लिए उन्हें रिहा करना अनिवार्य है। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और दूसरे का इनकार करते हो? तुम में से जो लोग ऐसा करते हैं उनकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि सांसारिक जीवन में रुसवाई हो और क़यामत के दिन उन्हें कड़ी से कड़ी यातना की ओर भेज दिया जाएगा। अल्लाह उससे बेखबर नहीं है जो कुछ तुम करते हो। यही वे लोग हैं जिन्होंने आखिरत के मुकाबले में सांसारिक जीवन का सौदा किया, तो ना तो उनकी यातना हल्की की जाएगी और ना उन्हें कोई सहायता ही पहुँचा सकेगी।